हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे अपना खतौनी कैसे निकालते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पे यूपी भुलेख टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, करना होगा। देखिए यहाँ पे यूपी भुलेख आ गया। देखिए सबसे ऊपर वाली लिंक भुलेख यूपी भुलेख वाले पे क्लिक करना होगा। सबसे ऊपर वाले क्लिक कर लेने के बाद देखिए आपको सबसे पहले अपना जनपद सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका जनपद हो। अपना जनपद सेलेक्ट कर लेंगे। जनपद सेलेक्ट कर लेने के बाद तहसील चुने। देखिए चंदौली ज़िला में 5 तहसील है। आपका जो भी तहसील है वहाँ पे चुन सकते हैं। ग्राम सभा, ग्राम अपना क्या है, आपका जो भी गांव हो वहाँ पे चुन सकते हैं। यहाँ देखिए अक्षरों से अपने गाँव का आगे का अक्षर डालेंगे आ जाएगा। देखिए मेरे गाँव का जो नाम है वहाँ पे सर्च किया है, हमारे गांव का नाम आ गया है, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे खसरा गाटा संख्या द्वारा खोज सकते हैं, खाता संख्या द्वारा खोज सकते हैं, खातेदार के नाम द्वारा भी खोज सकते हैं। आपको जैसे भी खोजना हो आप तीनों तरह से खोज सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर अपना गाटा संख्या डालना होगा। डालने के बाद खोजे पर क्लिक करना होगा। देखिए नीचे आ जाएगा, हमने हाइड किया है, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद उदाहरण देखें ग्रीन वाले पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कैप्चा को फिल करना होगा। फिल कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर कैप्चा को सही सही फिल करना होगा। ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने आपका ज़मीन का विवरण आ जाएगा। आप यहाँ पे नाम अपना भी चेक कर सकते हैं, किसके नाम पर ज़मीन है, कितना है, आप वहाँ पर दे सकते हैं। इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। कंट्रोल पी दबाकर कीबोर्ड में कंट्रोल पी दबाएंगे, आपका खतौनी प्रिंट हो जाएगा। वीडियो पसंद लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने ज़मीन का नक्शा देखने के लिए वीडियो हमने एक अलग से बनाया, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं।